वेलकम इन स्टडी हब चैनल। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांस मैथ फॉर रेलवे एसएससी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम एक बार इसके फार्मूला शीट पर नज़र मार लेते हैं। फार्मूला शीट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फार्मूला है इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें आपको साइन कॉस एंड टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन ज़ीरो की होती है ज़ीरो, साइन थर्टी की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1 और साइन 180 की होती है 0। आपको सिर्फ 90 तक याद करने हैं, उसके बाद आपकी मर्जी आप याद करें या ना करें। नाउ मूविंग ऑन अदर फार्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ में क्या है कि जैसे आपको दे दिया कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा या टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 - टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये कई फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मूविंग ऑन थर्ड फार्मूला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह आपको साइन का याद करना है और कॉस का, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। ऑलराइट, अदर फार्मूला क्या है, साइन 2x इक्वल्स टू होता क्या है 2 sin x cos x। उसी तरह tan 2x इक्वल्स टू होता क्या है 2 tan x 1 - tan²x। नाउ फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x + y / 2 cos x - y / 2। उसी तरह cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है -2 sin x + y / 2 sin x - y / 2। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जैसे फॉर्मूला 8 पे देखें, cos 2x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, cos²x - sin²x या 1 - 2 sin²x या 2 cos²x - 1। नाउ cos 2a को 1 - tan²a 1 + tan²a। ये सारे फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाओगे ना। उसी तरह बेसिक फॉर्मूला जो हमने 9th और 10th पे पढ़ते थे, sin²x + cos²x क्या होता है 1, 1 + tan²x = sec²x होता है, 1 + cot²x क्या होता है cosec²x। नाउ फॉर्मूला नंबर 10, sin 3θ cos 3θ, 10θ ये आपको याद होना चाहिए। मॉरिस लॉ में क्या होता है, मॉरिस लॉ में क्या होता है कि sin θ θ का double 2θ और थीटा का 4 times 4θ का फॉर्मूला होता है 1/4 sin 3θ। सेम cos θ cos 2θ cos 4θ के लिए भी कहता है 1/4 cos 3θ। बट अगर 4θ यानी सबसे बड़ा एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए 60 डिग्री। सेम ये साइन कॉस 10 के लिए भी वैलिड है, ये 60 + θ 60 - θ और थीटा के लिए भी वैलिड है। यहाँ पे 1/4 sin 3θ 1/4 cos 3θ और 60 - θ। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका सबसे बड़ा थीटा होगा वो लेस देन क्या होगा 60 होगा। नाउ अगर आपको डिग्री को रेडियन में बनाना है तो आपको क्या करना है, थीटा को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या बन जाएगा रेडियन। अगर आपको रेडियन को डिग्री में बनाना है तो आपको क्या करना है, थीटा को 180 से बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन कितने बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57 degrees 16 minutes और 22 seconds। आई होप आप ये नोट डाउन कर ले फॉर्मूलाज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये कुछ 15 से 20 फॉर्मूले हैं जिस एक बार करने के बाद आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री इजी वे में कर सकते हो। आई होप फॉर्मूला शीट आपको पसंद आया होगा।